राष्ट्रीय एकता दिवस से पूर्व सीआरपीएफ जीसी 2 की ओर से 75 किलोमीटर बाइक रैली निकालकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सीआरपीएफ जीसी 2 की जवानों ने बाइक पर रैली निकालकर आम जनता को राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर डीआईजी अनिल कुमार ने बताया कि देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी से पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजादी के बाद भी देश की एकता को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी रियासतों को एक करने में उन्होंने कई ठोस कदम उठाए जिसके बाद देश को एक किया जा सका। ऐसे महान पुरुष को याद करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम सीआरपीएफ की ओर से आयोजित किए गए। पहले दिन साइकिल रैली निकाली गई और आज दूसरे दिन सीआरपीएफ डीआईजी के नेतृत्व में बाइक रैली निकालते हुए आम जनता को जागरूक किया गया और तीसरे दिन इस दिन को हर्षोल्लास के साथ सभी के बीच मनाया जाएगा। देखिए, आपको मालूम है कि कल राष्ट्रीय एकता दिवस है। हमारे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी कल 148वीं जयंती है और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के एकीकरण में उनके द्वारा दिए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और जिस प्रकार की राष्ट्रीय एकता का समावेश उन्होंने किया था उसको याद करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ धन्यवाद देने के लिए पूरे भारतवर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इसी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अजमेर सिटी के अंदर में हम लोग पिछले 3 दिन से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। कल जो है साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, आज आप देख रहे हैं कि बाइक रैली का आयोजन किया गया है और ये तकरीबन 75 किलोमीटर का डिस्टेंस करके लोगों को राष्ट्रीय एकता के बारे में जागरूक करेगी और ये भावना जो है जन जन में पहुंचाने की कोशिश करेगी। गुड नेम, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, मैं डीआईजी ग्रुप सेंटर 2 सीआरपीएफ।